अब दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जिसमें पूंजी कम लगेगी और प्रॉफिट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये हर सीजन में चलने वाला है। इसकी डिमांड हर सीजन में है, गांव शहर सब जगह बिकने वाला है। कितना सस्ता मिलता है, कहाँ से खरीदें, इसकी थोक मंडी कहाँ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, क्या रेट मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, ए टू जेड आज आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इस बिजनेस फैमिली में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम समय को न व्यतीत करते हुए, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, बेल आइकॉन का बटन दबा दिए होंगे, इसलिए ये सब हमने नहीं कहा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हरी इलायची के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हरी इलायची का इस समय डिमांड बढ़ रहा है, लोग धूम्रपान कम कर रहे हैं, इसलिए सब मुँह में इलायची रखते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एक शोध किया है, अगर हम डेली दो इलायची खाते हैं तो हम कैंसर से 50% बचे रहते हैं। इसलिए हमने देखा है जहां भी हमारे भी जानने वाले जो भी हैं सब हरी इलायची ज़्यादा खा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए ये हो गया, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये तो हो गया इसका कैसे डिमांड है। अब हमको कहाँ से ख़रीदना है, कैसे अपना ब्रांड बनाएं, इसकी क्वालिटी है। जैसे अब अगर इसकी उत्पादन की बात करें दोस्तों, ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये इसका उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अभी आपको वहाँ से ख़रीदारी नहीं करना है, वहाँ भी आपको नहीं फंसना। वहाँ से ख़रीदारी करने में आपको जो है लाख डेढ़ लाख रुपया लगाना पड़ेगा, पर एक कुंतल, डेढ़ कुंतल, दो कुंतल वहाँ से लेना पड़ेगा। तो अभी आपको सीख रहे हैं, तभी आपको छोटे में काम करना है। अभी हम 2 किलो 3 किलो से शुरुआत करें, धीरे धीरे मार्केट में अपने ग्राहक बना लें। जब हमारा मार्केट में पकड़ हो जाएगी तब हम वहाँ से खरीदेंगे, तब हम लेंगे, दिल्ली से खरीदे, आप जिस स्टेट में वहाँ से लेंगे। अब इसकी ये हो गया आपका कहाँ पर होता है, क्या थोक है। अब ये जान लेते हैं दोस्तों इसकी क्वालिटी क्या होती है। जैसे दो तरह की इलायची होती है, छोटा दाना और एक बड़ा दाना। क्या होता है, छोटा दाना और बड़ा दाना, 5 मन 6 मन, ये छोटे छोटे होते हैं, पिचके होते हैं, लेकिन इसकी डिमांड थोड़ा सा कम है, लोग इसको नहीं लेते हैं। इसको लोग मसाले में पिसा के लेते हैं, मसाले में मिला के बेचते हैं, या जो पाउडर बेचते हैं वो लोग लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं बड़ा दाना, जो है आपको शुरुआत करना है तो आपको 7 mm और 8 mm, तो दोस्तों आपको 8 mm का लेना है। 8 mm की छोप बड़े होते हैं और उसमें जो बीज पाए जाते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, दाने काले काले, तो इससे उसमें महक भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी बेस्ट होती है। तो यहाँ पे 8 mm की आपको शुरुआत करना है दोस्तों, कितने एम एम का, 8 mm की शुरुआत करना है। ये हो गया, आपने जान गए आपको ख़रीदना क्या है। अब रेट की बात करें दोस्तों, आज जो है 2 मार्च 2022 है, आज का रेट मेरे भाई साहब की दुकान है, उनके पास 5 किलो शाम को खरीद का आया, तो हमारे आया विचार कि आज हम इस पर वीडियो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। और वो जो बेचते हैं दोस्तों 2500 रुपये किलो, यानी कि 250 का 100 ग्राम बेचते हैं उनकी दुकान पर। और फिर हमने सोचा फाइड पर भी सर्च कर लें, जो जानकारी दें आप लोगों को वो एकदम प्योर जानकारी। तो हमने साइट पे, कई साइटों पे हमने चेक किया, किसी का जो है 145 रुपये का 50 ग्राम है, किसी का 150 रुपये का 50 ग्राम है, और किसी का तो 200 रुपये तक 50 ग्राम है। तो इस अलग अलग ढंग से है, अलग अलग ढंग से अपना सब लोग वहाँ पे बेच रहे हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम का पैक करके बेचते हैं, 200 ग्राम, लेकिन इससे ज़्यादा ऑनलाइन पे नहीं मिलता है। तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बेची, कौन कौन से कागज लगेंगे वो भी अभी हम आपको बताते हैं। ऑफलाइन की अभी हम बात कर लें डिटेल में। तो जैसे अब ख़रीदारी की बात हुई दोस्तों, जैसे हम देखते हैं अपने चैनल पे, आप लोग हमारे कई स्टेट से हैं दोस्तों, जैसे आप जिस स्टेट से, मान लो दिल्ली से हैं दोस्तों, तो आप दिल्ली से खरीद सकते हैं। आप दिल्ली से खारी बावली मफाले का है, कई जगह पे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल्ली वहाँ से बाहर दूर है तो आपके जो पास में डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये किलो पीछे अंतर पड़ेगा। लेकिन अब 100-150 किलो के लिए आप वहाँ जाएंगे तो उससे ज़्यादा भाड़ा हो जाएगा। अभी आपको शुरुआत करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही लेंगे तो ठीक है। ये जो मैं रेट बता रहा हूँ दोस्तों, ये लखनऊ का रेट है, ये लखनऊ का रेट है, जो इतना 1300 आज का रेट जो है 1300 रुपये, लेकिन उनका 1300 रुपये है, उनको और सस्ता मिलेगा। आपको 1300 रुपये ये फुटकर वो थोक वाले को देते हैं किलो में, उनका तो 1200 रुपये में पड़ा होगा। तो दोस्तों चलिए हम एक रेशियो लेते हैं 1300 का। तो ये एवी रेशियो जो फार्मूला हम बेचने बता रहे हैं, पता लगा आज का रेट है, ये रेट अप डाउन होते रहते, चाहे मसाला हुआ, चाहे तेल हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, रेट अप डाउन होता है। हो सकता है वीडियो आपको एक साल बाद पहुँचे, लेकिन ये समझने लिए समझ के फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, कि मान लो 1300 रुपये है और बिक कितने में रहा है, 2500 रुपये में,
2600 रुपये यानी दोगुना जाएगा। इस हिसाब से जब भी आप इसका बिजनेस करना शुरू करें, जैसे मान लो 1500 रुपये है, इतना मान के चलिए कि 3000 में बिकेगा, दुगने में बिकेगा। तो बेचना कैसे, आपको छोटे छोटे पाव, जैसे ये समझ लीजिए मार्केट में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो 250 ग्राम लेते हैं, 200 ग्राम खरीदते हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान उनकी थोड़ा ठीक ठाक चलती तो 1 किलो आधा किलो लेते हैं, लेकिन कोई 10-5 किलो नहीं लेता है। और जो पान वाले होते हैं वो भी 100 ग्राम 50 ग्राम डेली खरीद के वो पान में भी देते हैं, पान वाले भी लेते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, एक जो आती है दोस्तों सीलिंग मशीन आती है वो 800 से शुरू होकर 1200-1300 रुपये की आती है दोस्तों। आप इंडिया मार्ट पे या गूगल पे सर्च करेंगे तमाम आ जाएगा, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो जो काटा बाट वाले रहते हैं वो भी रखते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले भी रखते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए। और छोटे छोटे आपको पाउच ले लेने हैं, पाउच दोस्तों 240 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, यानी 260 रुपये किलो, जैसे भी ये 10-20 रुपये इधर उधर होता है। तो छोटे छोटे पाउच लेने हैं आपको, 50 ग्राम बना लीजिए, 100 ग्राम का बना लीजिए, ये आप छोटे छोटे जो किराने की दुकान है उन पे दीजिए, पान वाले को दीजिए, और एक छोटा छोटा बना लीजिए 5 ग्राम का, 20 ग्राम का। तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी लेते तो उन्हीं पान की दुकान पे आप रख लीजिए, किराने की दुकान पे रख लीजिए, वो ले लीजिए। अगर आपको इसको ब्रांड बना के देना है तो कोई एक अपना नाम चॉइस करके वो नाम से या अपने नाम से उसको आप बेच सकते हैं। इसके लिए आपको स्टिकर छपवा लीजिएगा दोस्तों, स्टिकर आप छपवा सकते हैं, या तो फिर आप मोहर बनवा लीजिए, उसमें आप जो नाम रखें उसका नाम रख दीजिए, आपने जब पैक किया है पैक रख दीजिए, उसकी एक्सपायरी 1 साल डाल दीजिए, और उस पर जो है एक्सपायरी डालने के बाद और उस पर रेट डाल दीजिए। ये रेट डाल के किराने की छोटी छोटी दुकानें ऐसे भी कर सकते हैं, तो 40-50 रुपये में क्या छप जाएगा आपका, जो है मोहर छप जाएगी, वो ले लीजिए। नहीं तो 2 रुपये में स्टिकर छपता है छोटे छोटे, वो आप जो है जहाँ पे पंपलेट छापा जाता है वहाँ स्टिकर छपवा सकते हैं, ये सब नाम डाल के। और अगर इसको ऐसे करके भी आप बेच सकते हैं, तो ऐसे जब आप बेचेंगे, जैसे मान लो 1300 रुपये आपकी खरीद है, तो इस पर आप 20% 30% यानी कि 20% का रेशियो लेके चलिए, तो 13×26 यानी कि 1550 रुपये, 13×26 260 रुपये आपका किलो के पीछे हुआ है, 20% आप रेशियो रखें तो 13×15 1560 रुपये किलो, यानी 1600-1700 रुपये तो ऐसे ही बिकेगा, 1700 रुपये किलो थोक में आपका ऐसे जाएगा, 300-400 रुपये किलो। तो अगर मान लो आपने 100 ग्राम का 10 दुकान दे दिया, 20 दुकान दे दिया, तो आपका 2-3 किलो ऐसे निकल जाएगा, 1 किलो पे आपका 400 रुपये की बचत हो जाएगी, 1200 रुपये तो आपका ऐसे हो गया। ये तो हो गया आप ऐसे लेके खरीद के बेचने का। तो इसको शुरुआत आप 2 से 3 किलो से करिएगा, इससे ज़्यादा अभी पूंजी मत लगाइएगा। मार्केट आप जान लीजिएगा, मार्केट का अनुभव सीख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब बात आ गई दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो क्या क्या कागज़ ज़रूरी होगा। ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे कि GST नंबर दोस्तों, सबसे पहले GST नंबर आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद उद्योग आधार नंबर और FSI नंबर, चूंकि ये फूड में आता है, और ब्रांड नेम, जैसे आपने ये कागज ले लिए, उसके बाद क्या कि ब्रांड से आप बेचना चाहते हैं, तो ब्रांड से बेचने के लिए आपको एक ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, पता लगा आपने अपना ब्रांड पॉपुलर कर दिया, कल उसी ब्रांड से कोई और बेचने लगे तो आपका क्या होगा, वो बेचने लगा है तो आप मेहनत आप कर रहे हैं तो कॉपीराइट करा के वो भी, इसलिए ब्रांड नाम करवाना पड़ेगा। ये सब में दोस्तों अगर बात करें GST के, GST फ्री है, लेकिन किसी फिलटेक्स ऑफिस में जो एडवोकेट आते हैं उनके द्वारा लेंगे तो अपने कुछ चार्जेज लेते हैं, तो फिर कुछ पैसे ले। उद्योग आधार नंबर फ्री है, FSI नंबर जो है दोस्तों ये 100 रुपये में 1 साल के लिए मिलता है, चूँकि अभी आपको छोटा लेना है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेना है। ब्रांड नेम की बात करें, उसको ट्रेडमार्क करवाने में दोस्तों 7-8 हज़ार लग सकता है, या जिस हिसाब से आपका इसके एजेंट से बात हो जाए। तो दोस्तों इस ढंग से आप बेचिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अभी छोटे में शुरुआत करना है तो आप डायरेक्ट दिल्ली से या कर्नाटक केरला से मत मंगाइएगा, आप यहीं से लेकर के अपने दुकानदार से जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से लेंगे, तो इसमें आपको फंसने के चांसेस नहीं रहेंगे, आप देख के खरीद के बेचेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप
इसका छोटा सा बिजनेस शुरुआत करके और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। कभी भी आप जिस भी एक साल बाद आपके पास वीडियो पहुंची तब भी आप करेंगे इसका बिजनेस, तब भी दोगुने में डेढ़ गुने में इसका बिजनेस जाता है, उससे छोटा उससे कम प्रॉफिट का इसका बिजनेस होता ही नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप तक इतना जो कीमती समय देकर के वीडियो देगा इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।